पूरा दिन गुजर गया मुझे इंतजार करते करते। डॉक्टर हसन एक विजिट भी नहीं कर सकते, इतनी फोन कॉल्स, इतनी रिक्वेस्ट, कुछ वक्त तो निकाल ही सकते ना, दो फ्लोर ही तो ऊपर आना है उन्होंने। मैडम उनका बहुत बिजी स्केड्यूल है, हमने दूसरे डॉक्टर को अरेंज किया है जो कि उनके असिस्टेंट हैं, तो वो आके देख लेंगे, मेरे ख्याल में वो अभी आते ही होंगे। लेकिन डॉक्टर हसन क्यों नहीं, 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते वो एक पेशेंट के लिए, तो बहुत अजीब सी बात है। देखिए दानिया मैडम, उनकी बैक टू बैक सर्जरी है और उनकी फ्लाइट भी है, इसीलिए उन्होंने माजरत की थी। दूसरे डॉक्टर जो कि उनके असिस्टेंट हैं वो आने वाले हैं और वो आके देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने नाना जान को किसी असिस्टेंट डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मैं खुद रिक्वेस्ट कर लेती हूँ ना उनसे, वो हैं किधर। मैडम अभी उनकी सर्जरी है तो अभी नहीं। मुझे बताएं उनका कमरा किस तरफ है, कौन सा कमरा। मैडम 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 उनकी सर्जरी है। मैडम रुक जाइए प्लीज, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया खान। जी जानता हूँ मैं आपको, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेरे कमरे में इस तरह दाखिल हो जाइए। जी मैं सुबह से आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, आपके स्टाफ से भी रिक्वेस्ट की है। जी सुबह से फोन आ रहे हैं मुझे आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैंने अपना असिस्टेंट डॉक्टर भेज दिया आपके नाना को देखने के लिए। वी हैव अ सर्जरी टू डू सो प्लीज एक्सक्यूज अस। मुझे नाना जान को किसी असिस्टेंट डॉक्टर को नहीं दिखाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें देख लेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। ये क्या तरीका, दिस इज हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ जोक। आपकी असेंबली नहीं है यहाँ, जो भी आपकी मर्जी से हो होता जाए। वी हैव अ स्केड्यूल टू फॉलो, वी हैव बैक टू बैक सर्जरीज, सो प्लीज एक्सक्यूज अस नाउ। आप सर्जरी के बाद 10 मिनट निकाल लीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई विश निकाल सकता, लेकिन मैं अपना स्केड्यूल किसी के लिए चेंज नहीं करता, आई एम सॉरी, नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी।